आपके बड़ोदित वेलकम टू अचल मित्रास टीवी। तो भाई का कमेंट नहीं था, मतलब इंस्टाग्राम पे भाई ने कही थी कि जस एंड मिक्सिंग का म्यूजिक है, जस नहीं गाया है, सफर गाना है। करते हैं स्टार्ट। नवा नवा पैर पाया इश्क दे शहर पाया कुछ भी पता नहीं मैनू सुबह के पैर आया पहला पहला डर लगा खुद नू मैं घेर पाया तू हाथ फड़े आते सा मैनू फेर आया जे हो जे कोई गुना दो गल्ला ले सुना राज तू छड़ी ना मैं जाऊंगी किधर तेरा मेरा सफर हाय जो गुजर मजा ता आ रे है तो लगी जावे डर तेरा मेरा सफर हाय जो गुजर मजा ता आ रे है तो लगी जावे डर सफरा ते आन गियां बहुत परेशानियां कदे करे तू कदे मैं करू न दानियां सफरा ते आन गियां बहुत परेशानियां कदे करे तू कदे मैं करू न दानियां ए भी एक हिस्सा हुंदा विच नी कहानियां याद फिर आन गियां छुट्टियां निशानियां ओ देवी तू सिखा किवें है चलना पिछे नहीं हटना जस करी तू सबर तेरा मेरा सफर रे हाय जो गुजर मजा ता आ रे है तो लगी जावे डर तेरा मेरा सफर रे हाय जो गुजर मजा ता आ रे है तो लगी जावे डर ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਜੇ ਪਲਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਨਾਈਆਂ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਰੇ ਸਭ ਜਲਨੇ ਮੈਂ ਕੇਜੇ ਪਲਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਨਾਈਆਂ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਰੇ ਸਭ ਜਲਨੇ ਗੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਤਰਫਾ ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਸਾ ਹੋਵੇ तेरा जो रास्ता मेरा वो रास्ता खुदा दा वास्ता ना जाए तुम कर तेरा मेरा सफर रे हाय जो गुजर मजा तारे है तो लगी जावे डर तेरा मेरा सफर रे हाय जो गुजर मजा तारे है तो लगी जावे डर भाई देखो अपनी बात बताओ ना, जैसे एक थोड़ा सा म्यूजिक बीट मतलब वो कंटिन्यू बजती रहती थी ना, थोड़ा सा साउंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई शायद ऋतिक रोशन की थी जिन्हें रणवीर कपूर की थी एक फिल्म थी जिन्हें वो थी क्या यार, कौन सी थी यार, शायद यार मूवी थी उसमें ऋतिक रोशन का यही मतलब थोड़ा सा गोवा में ऐसे ही शूट हुआ था वो, जैसे मतलब वो एक गोप्रो लेकर रखा है और उसमें भी शूट करा है ऋतिक रोशन की, यार पता नहीं मेरा ध्यान नहीं आ रहा उस तरह के थोड़ा सा शूट है और बीट में मतलब जैसे वैसे ही जैसे यार मैंने पता नहीं ध्यान नहीं आ रहा बस कि उसकी तरह ही मतलब थोड़ा सा ये मतलब वो देखने को मिला है जैसे थोड़ा सा, पर जो ये मतलब एक ऐसा लगा तो मैंने बोला पर भाई क्या मतलब कॉम्पोजिशन करके दिखाई है, मतलब वाइब है ब्रो, वॉइस में इनकी भाई जस की वॉइस में एक वाइब है और भाई जो भाई वाइब मेरे यहाँ तक पहुँची मुझे फील हुई बहुत सुनने में मज़ा आया। ये नहीं है कि मतलब कॉपी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा पर मुझे थोड़ी सी ऐसा लगा तो मैंने बोला भाई बहुत सोनी वाइब थी ब्रो गाने में, म्यूजिक भी सही था भाई जैसे था भाई ने मिक्सिंग ने बनाया बहुत सोना म्यूजिक था सुनने में भाई बीट वाइज भाई, एक थोड़ा सा जैसे मैंने पहले भी बोला क्यूके साउंड जैसे एक मतलब थोड़ा सा म्यूजिक की लेयर ऊपर चलती है भाई नीचे उनका मतलब वोकल चलते हैं ऐसी थोड़ी सी साउंड कहीं कहीं दिखाई गई है भाई, जो कि सुनने में एक वो अलग ही फील देती है
भाई क्या नाम था, ऐसा साउंड जैसे कि अब एपी डिल्लो ऐसे साउंड देते हैं। मैंने ये नहीं बोल रहा कि भाई एपी डिल्लो कहाँ, ये मैं वो नहीं बोल रहा, पर भाई एक थोड़ा सा साउंड मैंने कहीं एपी डिल्लो के साथ ऐसा सुना है भाई, सुनने में एक गाने को अलग मजा आया। जैसे एक कॉम्पोजिशन बहुत सोनी थी, एक फ्लो बहुत सोना था भाई गाने में, वाइब बहुत कैंट थी ब्रो, बहुत सुनने में मतलब सही में मजा आया ब्रो। ये नहीं है कि मतलब ऐसा के ऐसे सॉन्ग मैंने कहीं पहले सुने हो सकते हैं, पर बहुत टाइम से ऐसा सॉन्ग नहीं सुना था। भाई ने सुझाया मतलब बताया, तो भाई सुनने में देखो हमने रिएक्शन किया, तो हमें सुनने का भाई में से देखो सही बताऊँ तो इसे मैं 2-4 बार लूप में ज़रूर सुनूंगा। इसका मतलब गाने का एक वाइब चेक करने का मतलब क्या है, जब जाके भाई मतलब कुछ पता, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अभी मतलब कुछ समझ नहीं आया, पूरा समझ में आया, मतलब सब कुछ समझ में आया, पर भाई इसे 2-4 बार सुनूंगा जब जाके मुझे मज़ा आएगा। क्योंकि मतलब ये एक ऐसा गाना है, अगर आप इसे बार बार लूप में सुनोगे भाई ग्रो ही करने वाला है, बहुत सोना गाना है, बहुत सोनी वॉइस के साथ, बहुत सोनी कंपोजिशन भाई, बहुत सोनी फ्लो के साथ, म्यूजिक के साथ अच्छा गाना प्रेजेंट किया गया। वीडियो भी भाई मतलब बहुत अच्छा सोनी है, जैसे गोवा में मैंने पहले बताया गोवा में शूट हुई है मेरे हिसाब से, तो लोकेशन ऐसी है भाई, बहुत सोने गाना था सुनने में भाई, वाइब में पूरा मज़ा आया भाई, सही में मज़ा आया, कोई ये नहीं है कि नहीं आया हो, पर मज़ा आया भाई, मज़ा आ गया। तो गाइज मेरे को सॉन्ग ये काफ़ी अच्छा लगा भाई, मेरी लोकेशन बहुत बड़ी अच्छी लगी गोवा गोवा की, क्योंकि मुझे गोवा बहुत अच्छा लगता है भाई, देखें कभी जाएंगे तो भाई बेटा। लेकिन भाई सॉन्ग जो था बहुत काफ़ी अच्छा था, और भाई म्यूज़िक भी एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा म्यूज़िक था भाई, जिस हिसाब से रोमांटिक सॉन्ग था बहुत ही अच्छा म्यूज़िक लगा। इसमें मुझे थोड़ी सी फील जैसे हरनूर के सॉन्ग में आती है, थोड़ी सी फील वैसी फील आई मुझे भाई, क्योंकि हरनूर भाई के तो भाई अपनी आवाज़ ही अलग है, उनकी तो बात ही अलग है वैसे। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी सॉन्ग अच्छा लगा भाई जस भाई का भाई, इतनी अच्छे से गाया उन्होंने, और भाई अपनी मॉडल भी अच्छी थी भाई, ठीक ठाक थी, अपने गोवा में मज़े ले रहे थे भाई अपने। अच्छा लगा भाई काफ़ी। तो गाइस आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको भाई ये सॉन्ग कैसा लगा। बाकी भाई इतना था वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं भाई, शेयर कर सकते हैं। बाकी भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, टिल देन टाटा गुड बाय, सब्सक्राइब द चैनल।